नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर दोनों में प्रॉब्लम आई। मेनली जो इंस्टाग्राम पे थी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, लोग अपनी स्टोरी अपडेट नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग मतलब फेसबुक के तरफ से ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट आया है, 47% लोगों को एरर हुई तब वो एप्लीकेशन यूज कर रहे थे इंस्टाग्राम, मतलब ओपन ही नहीं कर पा रहे थे। और 27% को मतलब जो नॉर्मली अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे खोलते हैं उन्हें 27% लोगों को प्रॉब्लम हुई, और जो मोबाइल पे अपनी एप्लीकेशन खोलते हैं उन्हें 47% लोगों को प्रॉब्लम हुई। उसमें से कुछ लोगों को प्रॉब्लम अपनी स्टोरी, क्योंकि जो चला रहे थे वो नॉर्मली चला रहे थे और जो नए ओपन करने की कोशिश कर रहे थे नहीं हो पा रही थी। और गाइस, ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप की बात की जाए या बात की जाए इंस्टाग्राम की या ट्विटर की, तो गाइस मतलब जनता बहुत ज्यादा हो गई है, सर्वर वही पुराने रखे हुए हैं, इसलिए थोड़े बहुत अपडेट करते रहते हैं। जो एक्चुअली टाइम प्रॉब्लम बताइए फेसबुक की तरफ से, जो उन्हें तो मतलब वेब डिटेक्टर जो होते हैं जो हमेशा चेक करते रहते हैं कि आउटलेट एंड इनलेट प्रॉपर चल रहा है डेटा की कनेक्टिविटी, तो 11 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 11 बजे प्रॉब्लम डिटेक्ट की गई थी, और 12:30 बजे तक ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई थी। मतलब 12:30 12 ठीक 12:30 बजे चीजें कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही थी, लोग इंस्टाग्राम यूज नहीं कर पाए थे ना स्टोरी अपलोड कर पा रहे थे। वहां पे ट्विटर पे आउटलेट हो गया था कि जो ट्वीट कर रहे थे वो अनेबल लिख के आ रहा था, तो वहां पे भी प्रॉब्लम हुई। तो गाइस उसे फिर मतलब 1:30 बजे के टाइम, 1:30 बजे के टाइम ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है फिलहाल, अब आप सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन उसे प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जा रहा है। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी वो कौन से शहर है गाइज, मैं बता दूं, दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, मोस्ट इफेक्टेड ये सिटियां थी। जो कि बात की जाए कि इसमें आपको डेटा का कनेक्टिविटी नहीं, मतलब सर्वर की कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही थी इंस्टाग्राम के। तो गाइज अभी फिलहाल तो प्रॉब्लम शूट आउट की गई है, उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला है, जैसे जैसे काम चल रहा है इंजीनियर लगे हुए हैं दोनों, मतलब फेसबुक के सारे इंजीनियर झट्टा मार के लगे हुए हैं और प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर रहे हैं, और तब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन कभी कभी बीच में कनेक्टिविटी चली जा रही है। तो गाइस मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि यार मेरा मोबाइल खराब हो गया या मुझे ही ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो गाइस घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। इंडिया में प्रॉब्लम हो रही है, बाहर देशों में भी प्रॉब्लम हो रही है, एशिया में, मतलब एशिया में, पूरी एशिया में प्रॉब्लम देखने के लिए मिली। और गाइस बात की जाए आपकी व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप आप इंडिया में बहुत अच्छी चला पा रहे हैं, अनदर मतलब बात की जाए कंट्रियों में प्रॉब्लम महसूस की जा रही है, कहीं मतलब इमेज अपलोड हो रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं, एरर आती जा रही है बार बार, मैसेज साइन नहीं हो पा रहे, टोटल ग्रुप में किए जा रहे थे, इंडिविजुअल तो आराम से चले जा रहे हैं, तो किसी के पास पहुंच रहे हैं किसी के पास नहीं पहुंच रहे, तो इस टाइम काम चल रहा है फेसबुक पूरी तरीके से लगा हुआ है, जल्दी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।